भोपाल में नाइट कर्फ्यू मजाक बना हुआ है। आबकारी की टीम ने जब रेस्टोरेंट क्लब कबाना पर दबिश दी तो लड़के लड़कियां शराब की बोतलें छिपाते नजर आए। छापा पड़ते ही क्लब में भगदड़ मच गई। आबकारी विभाग ने रेस्टोरेंट संचालक समेत 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। भोपाल में नाइट कर्फ्यू मजाक बना हुआ है। धड़ल्ले से होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे के बाद भी खुल रहे हैं। भोपाल आबकारी विभाग ने शनिवार देर रात भोपाल इंदौर हाईवे पर क्लब कवाना रेस्टोरेंट पर दबिश देते हुए 20 लोगों के खिलाफ रेस्टोरेंट में बैठकर शराब पीने का प्रकरण दर्ज किया है। बिना अनुमति शराब पिलाने के मामले में क्लब संचालक पर कार्रवाई की गई। दबिश के दौरान वहां महिला और बच्चे भी मौजूद थे। पुलिस को देखते ही लड़के लड़कियां शराब की बोतलें छिपाते हुए भागते नजर आए। भोपाल में 21 नवंबर से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू है। सिर्फ खाने पीने और रेस्टोरेंट आदि को ही रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति है। आबकारी अधिकारी बबीता भट्ट ने बताया कि उन्हें कुछ दिनों से भोपाल इंदौर हाईवे स्थित क्लब कवाना में अवैध रूप से शराब परोसे जाने की सूचना मिल रही थी। टीम ने देर रात बैरागढ़ पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। क्लब के संचालक विजय धनवी को हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने और अवैध रूप से शराब पिलाए जाने का मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही रेस्टोरेंट में शराब पी रहे लोगों पर भी कार्रवाई की गई। इनके खिलाफ 36 आबकारी एक्ट के प्रकरण बनाए गए हैं। पूरा उठा दो, पूरा बैग उठाओ, पूरा बैग उठा के दे। हम लोग पूछ के यहाँ पे बैठे, हमें नहीं मालूम होगा। हम लोग फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ। सब हम लोग भी फैमिली वाले होते हैं, बच्चे वाले होते हैं। आप लोगों को पता समझ में नहीं आता कि बात नहीं है और 10 बजे के बाद कर्फ्यू है। आपको ये नहीं पता है, ये भी नहीं पता है कि 10 बजे अपने घर ये अगर ये चालू है तो ये हम लोग की गलती थोड़ी है। आप लोगों की ही गलती की वजह से ये मामला फैलता है। सबके नाम निकाले, आधा भी नहीं। अरे कैसे दे दूं यार, मैं खाया ही नहीं। मेरी एनिवर्सरी है आज, तुमने बात पहली। चलिए सर, सॉरी सर। सर एक बात बताओ सर, सॉरी सर, नहीं मेरी बात, आपको मैंने फोन किया था ना सर, कि सर मैं 9 बजे आ रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरी बेइज्जती की गई ना कि आप यहाँ क्यों आए हो। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।